नालंदा जिले के रहुई प्रखंड क्षेत्र में लाखों रुपए की लागत से महादलितों के लिए बनाए गए सामुदायिक शौचालय के घोटाले का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के मुताबिक शौचालय होने के बावजूद उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा, कई शौचालय में ताला तक लटका हुआ है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना बीडीओ विवेक कुमार को दे दी है, जहां बीडीओ ने मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ है, पूर्ण भी हुआ है, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बट अधिकतर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है, लोग इसको इस्तेमाल करें। पानी का व्यवस्था किया गया है, चाहे नल जल से हो चाहे चापाकल से, पानी का व्यवस्था है। और बिजली की है, जहाँ तक है मैं इसको दिखवा रहा हूँ क्या बिजली। उधर सहरसा के सदर अस्पताल परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। डीएम कौशल कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी शंभुनाथ झा अतिक्रमण हटाने पहुंचे। सदर एसडीओ को देखकर दो दुकानदार खुद कब्जा हटाने लगे, हालांकि कुछ अतिक्रमण को जेसीबी लगाकर कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने किराना के 3 दुकानों को खाली करने के लिए समय की मांग किए जाने पर 24 घंटे के अंदर खुद से हटा लेने का निर्देश दिया। साथ ही दवाई दुकान को भी सिविल सर्जन से नोटिस प्राप्ति के लिए 24 घंटे के अंदर खाली करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। ग्यारह साल से दुकान इस जगह पर कर रहे हैं और 24 घंटा सुविधा दे रहे हैं मरीजों के। एक बार जो कोई चीज को यहाँ जो दूध गर्म को हो पानी गर्म का, कोई पैसा कौड़ी का बात नहीं है, 24 घंटा सुविधा देते हैं और फिर भी हम लोग 11 साल। आज भी लोग अंधविश्वास के चंगुल में फंसे हुए हैं। इसकी एक बानगी दिखी खगड़िया के राटन गांव में, जहां एक बच्चे को सांप काटा और सांप काटने से उसकी मौत के बाद परिजन बच्चे को जिंदा करने की आस में ओझा की बातों में आ गए और शव को मिट्टी में गाड़कर जिंदा होने का इंतजार करने लगे। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। तस्वीरें आपको रुला सकती हैं। रोते बिलखते परिजन, माँ का बिलख बिलख कर रोना, एक माँ के गोद से बच्चे का हमेशा के लिए छिन जाना कितना पीड़ादायक हो सकता है, हम इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ खगड़िया जिले के गोगरी थाना के राटन गांव में, जहां कैलाश यादव का 4 साल का बच्चा पीयूष को खेलने के दौरान जहरीले सांप ने डस लिया। आनन फानन में बच्चे को खगड़िया सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। लेकिन बच्चे की मौत पर परिजनों को विश्वास नहीं हुआ और बच्चे के शव को दोबारा जीवित करने की उम्मीद में ओझा के पास ले गए। जादू टोना करने वाले ओझा ने 4 घंटे में बच्चे को जिंदा करने का दावा किया। फिर शुरू हुआ अंधविश्वास का खेल। बच्चे के शव को मिट्टी में गाड़ दिया गया इस उम्मीद में कि बच्चा दोबारा जीवित हो सकेगा, खेल सकेगा, माँ से दो बातें कर सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूचना मिलने पर खगड़िया डीएसपी घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए मना लिया। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट।